प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, संघीय संसद के सांसदगण, यहां उपस्थित तमाम मधेस आंदोलन के शहीद के परिवार के आदरणीय परिवार के सदस्यगण, मधेस आंदोलन में वीरता के प्रदर्शन करते करते सख्त घाइते हुए वो तमाम घाइते आदरणीय लोग, यहां उपस्थित तमाम जनसमुदाय, पत्रकार मित्रगण, सबसे पहले मैं वो तमाम मधेस आंदोलन के वीर शहीद को मैं नमन करना चाहता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहता हूं, और मधेस आंदोलन में वीरता प्रदर्शन करते करते घायल हुए तमाम योद्धा को मैं सलाम करना चाहता हूं, अभिवादन करना चाहता हूं। जय मधेस। आज हम लोगों ने आपकी सरकार, जो आपके आंदोलन के बल पर, आपके परिवार के शहादत के बल पर, आपके वो वीरता के बल पर जो आंदोलन में आप प्रदर्शन किए, वो वीरता प्रदर्शन करते करते जो हमारे बीच के कुछ लोग शहादत हुए, उनकी शहादत के बल पर स्थापित ये मधेस का सरकार, फोरम नेपाल और राजपा नेपाल के नेतृत्व के सरकार, आज आप लोगों का सम्मान करने का शुरुआत किया है। ये शुरुआत अभी हम लोग शुरू किए हैं। मैं देखा यहां पर कि हम लोगों ने, आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारे बीच के जो शहीद है उनके परिवार के नाम समावेश करना अगर छूट गया होगा तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय में आकर अपना नाम को समावेश करें। और एक घायते, इसमें एक चरण का बात था, एक दो आदमी खड़ा कर डेटा कलेक्शन किया गया था, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ये शुरुआत सिर्फ है, बहुत सारा लोग का नाम छूट गया है। वो तमाम लोगों को प्रदेश सरकार सम्मान करेगी, वो तमाम लोगों को प्रदेश सरकार अपने क्षमता के अनुसार उनको आर्थिक सहयोग भी करेगी। प्रदेश सरकार बना तो हम लोगों ने पहला मीटिंग में निर्णय किया कि मधेस आंदोलन के दौरान शहादत हुए वो तमाम शहीद परिवारों को एक परिवार एक रोजगार देंगे। वो निर्णय हम लोगों ने एक बलिदानी दिवस के अवसर पर हमने उसका पूरा करने का शुरुआत किया। वो तमाम घाइते को हम सम्मान करेंगे। हो सकता है लिस्ट कलेक्शन करने में बहुत सारा लोग छूट गए होंगे, ये अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है, ये हम लोग शुरू किए हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी शुरुआत है, और मधेस आंदोलन में जितना शहादत प्राप्त किए हैं उनकी जागीर तो होगी होगी, और इसके साथ साथ वो परिवार को आने वाला दिन में
प्रदेश सरकार की तरफ से क्या उनको सहूलियत होगा, क्या उनकी परिवार के सहयोग होगा, वो तमाम सुविधा प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराएगा। इतना ही नहीं, ये खाई को अभी शुरुआत हुआ है, बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो उनका नौकरी की बहुत आवश्यकता है। आने वाला दिन में हम लोग वैसे जो आवश्यकता है उनका, वैसे लोगों को भी प्रदेश सरकार जागरूक उपलब्ध कराएगी आने वाला दिन में। इसलिए ये हमारा शुरुआत है, और जो लोग छूट गए हैं वो अपने को छूटा नहीं माने, प्रदेश सरकार का उस पर नजरअंदाज नहीं किया है, ये नहीं माने, प्रदेश सरकार वो सारे घाइते, एक एक घाइते वो खोज खोज कर सम्मान करेंगे। मैं आप लोगों का विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये सरकार आपकी सरकार है, ये सरकार आपका सरकार, और आपकी हक अधिकार के लिए जिस मिशन के तहत, जिस उद्देश्य के तहत मरहेस आंदोलन में शहीद लोगों ने अपना बलिदान दिया, वो तमाम भाई थे जो अपने वीरता का प्रदर्शन किया, आपकी सपना था मरहेसियों का अपना शासन होगा, अपना प्रशासन होगा। आज प्रदेश सरकार अपना शासन और अपना प्रशासन स्थापित करने के लिए आगाड़ी बढ़ा, अपना शासन और अपना प्रशासन हो मरहेस का, अपना अपना ये भूमि पर अपना शासन। हम लोग शुरुआत किए हैं, हम चाहते हैं कि मरहेस में यहां के लोगों को, जो युवा बेरोजगार है, वो बेरोजगार युवा का यही रोजगार मिले, बेरोजगार युवा का यही काम करने का अवसर मिले। कौन चाहता है कि दूसरे के मुल्क में जाकर उतना गर्मी में परिवार से दूर रहे, कोई नहीं चाहता है, ये हमारी मजबूरी है। आप देखेंगे प्रदेश दो के अधिकांश युवा, करीब आप तुलना करेंगे अन्य प्रदेश से तो सबसे ज्यादा युवा आज बेरोजगार खाड़ी मुल्क में काम के खोजी में गया है। कौन चाहता है कि अपने मुल्क को छोड़कर विदेश में, खाड़ी मुल्क में जाकर उतना गर्मी में काम करे, लेकिन मजबूरी है कि यहां मधेसी युवाओं को जागीर नहीं मिलता है, यहां मधेसी युवाओं को काम करने का अवसर नहीं मिलता है। आप देखेंगे यहां का कृषि का उत्पादन है घटा है, उद्योग धंधा घटा है, तो यहां का पर्यटन व्यवसाय जो जिस किस्म से बढ़ना चाहिए वो घटा है। शुरू से ही हम कहते आए हैं मधेस आज आपका 8 जिला का आप प्रदेश मिला है, ये 8 जिला का प्रदेश ये आपका प्रदेश है, लेकिन राज्य के दृष्टि, संघीय सरकार के दृष्टि में ये कभी भी प्रायोरिटी में नहीं रहा है, कभी भी ये संघीय सरकार के ये कहा जाए तो इनकी ये समान अवसर देने के, समान किस्म के व्यवहार करने में नहीं रहा है। हमारी प्रयास है कि आप यहां के शहीद, यहां के वीर घाइते आज जिस मिशन के लिए, जिस देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, उन्होंने संघर्ष किया, वो संघर्ष का प्रतिफल है कि अपन शासन हो, अपन प्रशासन, अपन शासन और अपन प्रशासन प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार आगाड़ी बढ़ा, आप बढ़ता रहेगा। मैं शुरू से ही कहता है कि जब तक यहां के सरकार के तरफ से यहां के युवाओं के जागीर देने की, यहां के युवाओं के रोजगार देने की जब तक प्रयास नहीं होगी तो निश्चित रूप से यहां के युवा रोजगार नहीं पाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार प्रहरी एरिया है, लोक सेवा आयोग अभी विधेयक सदन में गया है, ऐसा ही यहां उद्योग धंधा कैसे स्थापित हो, ज्यादा से ज्यादा लगानी करता यहां कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा उद्योगी व्यवसायी है अपने
व्यवसाय उद्योग कैसे लगानी करे, इसका प्रदेश सरकार गंभीर है। प्रदेश सरकार चाहती है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, कृषि को उत्पादकता को बढ़ाया जाए, उद्योग धंधा यहाँ स्थापित करने के वातावरण बनाया जाए, पर्यटन में यहाँ लोगों के लगानी करने का, लगानी करता को लगानी करने का यहाँ वातावरण बनाया जाए, प्रदेश सरकार लगा। तो मेरा हर समय यही प्रयास है कि यहाँ के युवा कैसे रोजगार हो, यहाँ के कृषि के उत्पादकत्व में कैसे वृद्धि हो। यहाँ कोई नेपाल घूमने आए तो प्रदेश दो, और यहाँ के धार्मिक स्थल घूमने आए, यहाँ जानकी मंदिर घूमने आए, साखड़ा भागवती आए, सलहेश आए, यहाँ अन्य गढ़ी माई घूमने जाए, ये चारों तरफ ये प्रदेश के जो धार्मिक तीर्थस्थल है वो सारे जगह पर आए, यहाँ के लोगों को अपने इनकम बढ़ाने का अवसर मिले, ये सारे प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है। मेरा यही मानना है कि आज जो हम लोगों ने आप लोगों के बल पर सत्ता प्राप्ति किया है, आप लोगों के बल पर जो सरकार बना है, आपकी सरकार है, आपकी आंदोलन के बदौलत बना सरकार है, आपके कुर्बानी के बदौलत बना सरकार है, और आपका इच्छा के प्राप्ति के लिए वो तमाम वीर शहीद और वीर आंदोलनकारी के आंदोलन के जो मिशन था, वो मिशन प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार आगे बढ़ रहा है, वही मिशन प्राप्ति के लिए सरकार आगे बढ़ा है। यहाँ के मलेशियों को कैसे अपना शासन और अपना प्रशासन में उनकी भागीदारी, इस उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार आगे। आज हमें बहुत कुछ हमारी आंदोलन से प्राप्ति हुआ है। ये मुल्क में अगर मधेस आंदोलन नहीं हुआ रहता तो मुल्क में संघीयता नहीं होता, ये मधेस आंदोलन हुआ नहीं रहता तो ये मुल्क में गणतंत्र भी स्थापित नहीं होता, ये मुल्क में आंदोलन मधेस आंदोलन हुआ नहीं रहता तो समानुपातिक समावेशता नहीं हुआ रहता, ये मुल्क में हमारी आंदोलन नहीं हुई रहती तो जो मौलिक हक में हमारी जो अधिकार मिला है वो मौलिक हक का अधिकार दुनिया से बेहतरीन संविधानों के संविधान में लिखा अधिकारों से भी अच्छा है वो नहीं प्राप्त हुए। बहुत सारा असंतुष्टि है संविधान में जो हम चाहते हैं, जो संविधान के त्रुटि को सजाया जाए, संविधान में वो संशोधन किया जाए और संशोधन करके वो सबों के लिए संविधान बनाया जाए। आज वो संविधान सबों के संविधान नहीं हो सका है। हम चाहते हैं कि संविधान एक सजा दस्तावेज बने, हम चाहते हैं कि संविधान देखने पर यहाँ तराई मदेश में रहने वाला मदेशी हो, मुस्लिम हो, थारू हो, दलित हो, पहाड़ के जनजाति हो, खास हो, सारे समुदाय वो अपने उसमें चेहरा दे, अपने अधिकार सुनिश्चित पाए, वो संविधान बने। आज वो संविधान के त्रुटि के वजह से निश्चित रूप से ये संविधान सारे बहुत सारे उपलब्धि के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो संविधान में त्रुटि है, वो त्रुटि जब तक ये संविधान संशोधन से अगर उसको सही नहीं किया जा रहा है तब तक हमारी संघर्ष जारी रहेगी, तब तक हम संविधान संशोधन जब तक नहीं होगा तब तक हमारे संघर्ष किसी न किसी तरीका से हम लोग जारी रखना होगा। आज के दिन में भी, आज के दिन में भी आप देखेंगे संघीय सरकार के तरफ से प्रदेश सरकार को एक संघीयता कैसे असफल हो, ये मुल्क में संघीयता कैसे कमजोर हो, प्रदेश एक विकास यूनिट के रूप में रहे, प्रदेश में अपना प्रहरी एक मजबूत प्रहरी संगठन नहीं बना पाए। आज यहाँ के प्रमुख जिलाधिकारी के यहाँ के गृह मंत्री से भी ज्यादा अधिकार देना, आज यहाँ के अगर देखेंगे तो आज संघीयता कमजोर करने के बहुत सारा षड्यंत्र हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि संघीयता को कमजोर करने के लिए, संघीयता को नाकाम करने के लिए और प्रदेश को सिर्फ एक विकास यूनिट बनाने के लिए अगर षड्यंत्र होगा तो प्रदेश दो का सरकार कभी हाथ में हाथ बांधकर नहीं बैठेगा। आज आप देखेंगे प्रमुख जिला अधिकारी के अधिकार और पंचायत काल में
में अंचलाधीश को बनाया, जो अधिकार था वो अधिकार देकर रखा। आज जो आंतरिक सुरक्षा संबंधी विधेयक आज सदन में है, उस सदन का विधेयक संघीयता विरोधी है, मधेशी विरोधी है, उत्पीड़न में रहा हुआ समुदाय के हक अधिकार के विरोधी है। उस आज प्रहरी जो यहां प्रदेश में प्रहरी प्रदेश प्रहरी गठन करने का अधिकार, आप देखेंगे संविधान के अनुसूची 6(1) में प्रदेश का अपना प्रहरी हो, प्रशासन हो, शांति सुरक्षा का जिम्मा हो, अपना प्रहरी प्रशासन का यह संविधान को परिकल्पना किया है। प्रदेश सरकार अपना प्रहरी गठन करे, लेकिन आज जो विधेयक मंत्रिमंडल से पास होकर गया है वो विधेयक संघीयता विरोधी है। हम लोग जो एन बनाए हैं प्रहरी एन, उसके विरोधी है, और प्रहरी एन यहां कारण में न हो, उनका काम संघीय प्रहरी का जो एन है वो समन्वय का है, सुपरविजन का है, संचालन का है, गठन का काम प्रदेश सरकार का है। तो प्रदेश सरकार अपना प्रहरी प्रशासन गठन करेगी, अपना अधिकार प्राप्ति के लिए संघर्ष करेगी, इसमें कहीं कतई शंका नहीं है। लेकिन आज जो प्रयास हो रहा है कि संघ को संघीय जो संघीयता है, संघीयता का मूल स्प्रिट, मूल जो उसका भावना है, जो प्रदेश में अपना स्वायत्त सरकार हो, जो संविधान ही हमें जो अधिकार दिया है, हम वही कह रहे हैं। जो लोग तो संविधान को सेलिब्रेट किया, दुर्भाग्य यह है जो लोग सेलिब्रेट किया, दिवाली मनाया, खुशियाली मनाया, वो आज संविधान कार्यान्वयन नहीं हो वो चाहते हैं। हमने संविधान को इसको तो नकारा, लेकिन आज हम चाहते हैं कि यही संविधान का जो धारा है, उपधारा है, जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था लागू हो और तमाम लोगों का अधिकार मिले, और बाकी अधिकार के लिए हम अपना संघर्ष करते रहेंगे, हम ये चाहते हैं। लेकिन ये अवसर में आज जो षड्यंत्र हो रहा है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता था, ये अगर संघीय सरकार के सोच रहे, अगर संघीय सरकार ये चाहती है कि प्रदेश सिर्फ विकास यूनिट रहे, संघीय ये चाहती है कि वहां के प्रहरी हो, वहां के प्रशासन हो, हम ही नियंत्रण करें, निर्देशित करें, तो और प्रदेश का मंजूर होगा, लेकिन प्रदेश दो की सरकार की मंजूरी नहीं है, उसकी सहमति नहीं रहेगी, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और सारी षड्यंत्र संघीयता विरोधी जो सारे षड्यंत्र है, प्रदेश सरकार उसको नाकाम करेगी, और जनता के बीच में जाकर ये सारी आवाज रखते हुए आगाड़ी बढ़ेगी, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। फिर एक बार, बहुत सारा कहने का बात है, लेकिन आप लोगों को आज जो हमारे तमाम जो हमारे बीच शहीद हुए हैं, वो तमाम हमारे वीर शहीद को मैं एक बार फिर नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहता हूं। वो तमाम मधेश आंदोलन के वीर जो घायते हैं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं, और जय मधेश का अभिवादन करता हूं। जय मधेश।